शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। और आप अगर दहाड़ना चाहते हैं तो शिक्षा के सिवा कोई रास्ता नहीं आपको, फिर सब हर कदम पे लोग आपको दबाते हैं। कलाम साहब ने भी कहा था कि किसी देश का भविष्य किसी कॉलेज के अंतिम बेंच पर बैठा हुआ विद्यार्थी के देख क्या बता सकते हैं। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से 2.5 घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत स्कूल में जाएगा, जिस एनर्जी से वो सिनेमा घर में जाता है किसी मूवी को देखने के लिए, उस दिन ये देश बदल जाएगा। और ये पक्का बदलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलेगा नहीं। पढ़ाई इतना दिलचस्प चीज़ होता है ना कि आपको 1 घंटे का क्लास आपसे गलती ना हो, इसलिए आप लड़कों को उनकी कमजोरी तक में बताएं। यहाँ पर बहुत से लड़के होते हैं वो तो सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं डर के मारे। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो टीचर को टीचर समझे। तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, उतना घर से हम लोग का भी कुछ नहीं था तो वहाँ जाके खाना, क्रांति के लिए तो आप समझिए तो गड्ढा खोद रहे हैं उनके लिए। तो ये उन लोग के लिए ऐसा नहीं है, बट स्टूडेंट्स अभी भी जागरूक है लेकिन वो बहक जाता है पढ़ने के लिए, यूट्यूब फेसबुक में गायब हो जाता है। ये उनको अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा।